दाढ़ी वाला G20 समिट में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था, सबको गले मिल रहा था, हाथ मिला रहा था और काफ़ी एक्साइटेड से बात कर रहा था। तो किस बात की खुशी है उसको कि 70% लोग ऊपर जाएंगे और बाकी के लोग गुलाम बनेंगे? ऐसा नीच आदमी उधर जाने के आने के बाद इधर उसने भाषण दिया कि हर एक के घर पे 20-25 लोग समझाने के लिए भेजेगा ताकि लोग टोचन ले। अभी 20-25 आदमी भेजने का क्या ज़रूरत है समझाने के लिए? तो ये जो दलाल है अपना, इसको अजीब सी खुशी होती है जब लोग ऊपर जाने वाले हैं ये पहले से ही पता चलने के बाद, और बहुत सारे लोग गरीब और ग़ुलाम हो गए, इसकी भी खुशी है। देखो, जब से ये आया है प्लान इनका, तब से दाढ़ी वाला थोड़ा गोरा हो गया है, चेहरे पे तेज आ गया है और काफ़ी हेल्दी हट्टा कट्टा हो गया है। तो जब ये आया तभी से उसका चेहरा एकदम गोरा हो गया। ये बेसिकली गोरापन आया है उसको, वो खुशी के कारण आया है। हेल्थ जो इम्प्रूव हुआ है वो खुशी के कारण हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हेल्थ देश का कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है। ज़्यादा लोग गरीब हुए हैं, सफरिंग इधर चालू है, महंगाई चालू है, और दाढ़ी वाले का चेहरा ग्लो कर रहा है। तो बेसिकली दाढ़ी वाले का चेहरा सफरिंग और अत्याचार से ग्लो होता है, वो उसका फेयर एंड लवली है, इसीलिए दाढ़ी वाला खुश था G20 में।